आरबीआई द्वारा 2000 के नोट वापस किए जाने की घोषणा के बाद धर्मनगरी अयोध्या में 2000 के नोट की भरमार हो गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अयोध्या के मठ मंदिर में भी बढ़ चढ़ कर 2000 के नोट दान में आ रहे हैं। आज हम आपको 2000 रुपए के नोट के बारे में राम मंदिर से जुड़ी एक ऐसी जानकारी बताएंगे जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण तीव्र गति के साथ चल रहा है। मंदिर निर्माण के साथ श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर रामलला को दान भी कर रहे हैं, लेकिन जब से आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को लेकर एक फैसला दिया जिसके बाद अयोध्या के मठ मंदिरों में दान पात्रों में भी 2000 के नोटों की संख्या बढ़ गई है। भगवान रामलला के मंदिर सहित अयोध्या के अन्य मंदिरों में श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर 2000 की नोट को दान दे रहे हैं, तो वहीं रामलला के लिए श्रद्धालु 2000 रुपए देकर 501 रुपए की रसीद भी कटवा रहे हैं और 1500 रुपए वापस भी ले रहे हैं। यानी 2000 के नोट को लेकर श्रद्धालु एक तरफ भगवान राम को अपना दान भी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने 2000 के नोट को बदलकर 1500 रुपए वापस भी ले रहे हैं। यह बातें हम नहीं, यह बातें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कैंप कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता बताते हैं। दरअसल अयोध्या में बन रहे निर्माणाधीन मंदिर में दानवीरों ने खूब खजाने खोले हैं। जब से आरबीआई ने 2000 के नोट को लेकर दिशा निर्देश दिया तब से रामलला के दान में 2000 के नोट की खूब बारिश हो रही है। तो पहले भी आ रहा है, अब भी आ रहा है। अब थोड़ा सी है कि 2000 नोट आदमी दे रहा है कि भाई सब 500 की रसीद काट दीजिए हमारी, 2000 का नोट दिया, 1500 रुपया वापस मांगता है, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। श्रद्धालु दान में दे रहे हैं, हमको बैंक में जमा करना रहता है, तो मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। और श्रद्धालु को अगर 2000 का नोट हमको दे रहा है तो उसकी भी इच्छा पूरी हो जा रही है। कितना हो गया होगा? ये ऐसा है कि कोई जरूरी नहीं श्रद्धालु बढ़े दान भी बढ़े। दान तो देने वाले कुछ ही लोग होते हैं और श्रद्धालु आता है हजारों में, दान देने वाले होने 500-600 आदमी, तो उससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है। श्रद्धालु ज़्यादा भी हो कम भी हो और उससे कोई दान में अंतर नहीं आता है। हाँ, ये फुटकर का दान बढ़ जाता है 10 रुपये का और चेंज का 20 रुपये का 50 रुपये का, ये थोड़ा दान बढ़ जाता है।